भारत ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। वैज्ञानिकों की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैज्ञानिकों की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट सफल रहा। अग्नि 5 मिसाइल की खासियतों की वजह से इसे दिव्यास्त्र भी कहा जा रहा है। मिशन दिव्यास्त्र को पूरा करने के बाद भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार भेजने की क्षमता है। 5000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि ये दोनों देश अब भारत की जद में आ गए हैं। DRDO के सफल मिशन में कई वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस भी हैं। पिछले साल थॉमस इस प्रोजेक्ट की लीडर थी। उनकी देखरेख में ही पहली बार साल 2012 में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था। उसके बाद से कई बार अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। चलिए हम आपको महिला वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में बताते हैं, जिनका जीवन विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली महिलाओं के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर टेसी को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेल्फ मेड मिसाइल इंजीनियर थॉमस ने केरल से साधारण शुरुआत की और विज्ञान के क्षेत्र में उभरी। टेसी थॉमस का जन्म 1963 में केरल के अल्लापुझा नगर पालिका में हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखा था। उनका बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है। 13 साल की थी तभी पिता को लकवा मार गया। कमाने वाले पिता बीमार हो गए तो घर में आर्थिक किल्लत होने लगी। माँ ने किसी तरह घर को संभाला और बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दी। वहीं इन दिक्कतों और किल्लतों ने भी थॉमस को वैज्ञानिक और गणित के अपने सपने को मरने नहीं दिया। गणित शुरुआत से ही उनका प्रिय विषय रहा। वह शुरुआत से ही इनोवेटिव आइडियाज पर काम करती रही। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ अमानमेंट टेक्नोलॉजी, जो अब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, वहां से गाइडेड मिसाइलों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। उन्होंने DRDO से PhD भी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसरो से एक इंटर्न के रूप में की थी। 25 साल की उम्र में नासा के समकक्ष माने जाने वाले वो संगठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में सबसे बड़े मिसाइल कार्यक्रम अग्निवी का नेतृत्व करने के लिए चुने। उनके लगन और मेहनत को देखते हुए वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें अग्नि परियोजना के लिए चुना था, जिसके बाद ही उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। DRDO में उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि मिसाइल कार्यक्रम पर परामर्श दिया। DRDO में रहते हुए उन्होंने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए मिसाइलों और लॉन्च वाहनों की एक श्रृंखला डिजाइन करने में मदद की। उनकी मेहनत ही है कि भारत ने साल 2012 में पहली बार 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। थॉमस सिर्फ रॉकेट डिजाइन नहीं करती बल्कि उन्होंने GPS प्रौद्योगिकी पर भी शोध किया। वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग के लिए तकनीक विकसित करने वाली भारत की पहली इंजीनियरों में से एक थी, जिनका उपयोग दुनिया भर में लाखों उत्पादों के लिए पहचान टैग के रूप में किया जाता था। थॉमस ने न केवल नई तकनीकों का आविष्कार किया बल्कि वो एक प्रभावी प्रबंधक भी रही। इसरो में अपनी पहली नौकरी में उन्होंने 150 इंजीनियरों की एक टीम का समन्वय और प्रबंधन किया और DRDO में अपने कार्यक्रम में उन्होंने हजारों लोगों की टीमों को संभाला। डॉक्टर टेसी थॉमस को DRDO की तरफ से कई बार अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वो अग्नि अवार्ड और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। 2022 में वो APJ अब्दुल कलाम आजाद के अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस न केवल एक बहु प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक पथ प्रदर्शक भी रही हैं। 2014 में थॉमस एरोनॉटिकल सोसाइटी के स्पेस पायनियर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। एक ऐसा सम्मान जो उनसे पहले केवल 5 अन्य भारतीयों को दिया गया है। पुरस्कार स्वीकार करते समय उन्होंने कहा था, मैं भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण काम करने वाले लोगों के साथ जुड़कर खुश हूँ। एक महिला होने के नाते मेरे मन में कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं आया। मैं हमेशा सोचती थी कि एक महिला होने के नाते मैं भी एक काम कर सकती हूँ। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, इस काम में सबसे आगे रहने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कह सकते हैं कि डॉक्टर थॉमस का ये जीवन कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक बनेगा और उनकी कहानी ये बताती है कि महिलाएं अगर ठान ले तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल
कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल। नमस्कार।